के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे पंचकुला के मोरनी क्षेत्र। वहीं दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां वन विभाग हरियाणा एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के विश्व औषधीय वन परियोजना मोरनी का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ भाजपा नेता राव नरवीर सिंह एवं करण देव कम्बोज भी इस दौरान उपस्थित रहे। बता दें, मोरनी में हर्बल वन को विकसित किया जा रहा है। मोरनी निवासियों को नर्सरी के माध्यम से इस औषधि वन से आर्थिक लाभ होगा, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया और बोले कि उन्हें तो हर समय ईवीएम ही नजर आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल किया है जो छत्तीसगढ़ में उपयोग हुई है। कई सरकारों से इग्नोर रहा है और नहीं कह रही है। बातें तो बहुत लोगों ने करी लेकिन इसको डेवलप करने की कोशिश किसी द्वारा नहीं की गई। और एकमात्र पर्यटन स्थल है ये हरियाणा का, अगर देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, योग ऋषि बाबा रामदेव जी और आयुर्वेदाचार्य श्री बालकृष्ण जी के नेतृत्व में, इनकी देखरेख में ये जो मोरनी क्षेत्र के अंदर हर्बल जो ये वन, इसको विकसित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुआयामी लाभ वो सब होगा। इस इलाके के लोगों को तो यहाँ की जो नेचर है, यहाँ का जो एक सिस्टम है, उसमें इनको इस वनस्पति के माध्यम, इन पौधों के माध्यम से, नर्सरी के माध्यम से एक आर्थिक लाभ भी उनको होगा। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो औषधि के नाते से, लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और आयुर्वेद के नाते से इसको भी हम आगे इसका विकास करेंगे। पर्यटन का भी एक लाभ होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र पड़ा था जिसके अंदर एक जमीन तो हमारी थी लेकिन इसका उपयोग पूरा नहीं हो रहा था। तो आचार्य बालकृष्ण जी के और स्वामी जी के विचारों से इसको हमने आगे बढ़ाया है और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आने वाले 4-5 वर्ष के बाद इसका भरपूर लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो मतलब काफी कमी है इस इलाके में। यहाँ यहाँ जो कि पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए सड़कों का हमने पिछले 4 सालों के अंदर कई सड़कें भी मंजूर की हैं, उनको बनाया भी है। और ये इंटरस्टेट एक बॉर्डर होने के नाते हमने कुछ पुल ऐसे भी निर्माण किए हैं जिसका हिमाचल के साथ लोगों का आना जाना बने। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ के निकट होने के साथ साथ यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले दिया जा रहा है और भी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि फिर ईवीएम से छेड़छाड़ होगी। उनको दिन में रात में ईवीएम नजर आती है, हमने उन्हीं ईवीएम का उपयोग किया है जो छत्तीसगढ़ में उपयोग। प्रथम धालका के लिए पंचकुला से उमंग शोरा।